हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो में हमारा जो डिटरमिनर टॉपिक चल रहा था इंग्लिश ग्रामर का, उसी का आज हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हमारे रिमेनिंग डिटरमिनर्स जो हैं वो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगी, इंग्लिश ग्रामर आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज पर, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट्स पर, टेंस हो गया है हमारा, आर्टिकल हो गया है, फनेटिक है, टीचिंग मेथड्स हैं और भी कई सारे वीडियोस हैं। तो आप सभी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप उन सभी वीडियोज को देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से ओपन करके सारे वीडियोज देख सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक्स पर। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर कंप्लीट कर लिया था और आज हम पजेसिव डिटरमिनर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पजेसिव डिटरमिनर जो होते हैं वो अधिकार या संबंध को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि किसी वस्तु ये पर अपना अधिकार जताने के लिए या संबंध स्थापित करने के लिए जिस डिटरमिनर का यूज किया जाता है वो डिटरमिनर कहलाते हैं पजेसिव डिटरमिनर। और ये इसके बारे में देखते हैं। पजेसिव डिटरमिनर इस कैटेगरी में आते हैं माई, योर, आवर, हिज, हर, एक्सेट्रा। ये सब चीजें हम पहले देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो ये सारे डिटरमिनर्स, इस कैटेगरी के डिटरमिनर पजेसिव डिटरमिनर कहलाते हैं। ये जो वर्ड्स हैं माई, योर, हिज, हर, ये साथ ही में आपकी डिटरमिनर का भी फंक्शन करते हैं और ये प्रोनाउन का भी फंक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी इन सभी का यूज किसी नाउन के पहले आता है तो वो हमेशा डिटरमिनर का फंक्शन करेंगे, लेकिन अगर इनके बाद कोई नाउन नहीं है तो वहां पर ये प्रोनाउन का फंक्शन करेंगे। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और प्रोनाउन पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बात क्लियर करूंगी, तो वहां पे आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मेनली अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिटरमिनर है वो नाउन के पहले यूज होते हैं, तभी वो डिटरमिनर कहलाते हैं। ऑलराइट, सो पजेसिव डिटरमिनर जो है ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन के पहले लगकर उनके साथ संबंध या अधिकार का बोध कराते हैं, अर्थात ये नाउन के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। जो पजेसिव डिटरमिनर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अधिकार और संबंध को स्थापित करते हैं। सो नाउन के साथ ये अपना संबंध स्थापित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, माई स्कूल, माई बैग, माई मोबाइल, माई, योर सिस्टर, हिज ऑफिस, हर ड्रेस, आवर प्लेस। तो यहाँ सभी एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पर जैसे स्कूल है, स्कूल के साथ मैंने अपना संबंध स्थापित किया। मेरा बैग, तो उसने अपना बैग के साथ संबंध स्थापित किया, यानी कि वो बैग पर अपना अधिकार जता रहा है कि ये मेरा बैग है, तुम्हारा नहीं, तो इसे डोंट टच इट, तो इसे नहीं टच करना। सो इस तरह से अधिकार जहाँ पर बताया जाता है वो पजेसिव डिटरमिनर कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, दिस पर्स इज माइन। तो यहाँ पर जो माइन है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिटरमिनर है। तो फ्रेंड्स, ये डिटरमिनर नहीं है। यहाँ पर जो माइन है उसने यहाँ पर एज ए प्रोनाउन का फंक्शन किया है, क्योंकि जो माइन है इसके बाद कोई नाउन नहीं है। अगर यहाँ पर नाउन होता तो हम यहाँ पर इसको डिटरमिनर बोल सकते थे, लेकिन ये डिटरमिनर नहीं है। सो ये डिटरमिनर नहीं है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? प्रोनाउन है। अब एक एग्जाम्पल आप देखिए, दिस बुक इज हिज, यहाँ पर हिज है, और दिस बुक, दिस इज हिज बुक। दोनों ही सेंटेंस में यहाँ पर हमने हिज का यूज किया और यहाँ पर भी हिज का यूज किया है, लेकिन ये जो हिज है ये एक प्रोनाउन है और ये जो हिज है ये एक डिटरमिनर है। सो अब डिफरेंस कैसे पता लगाएं कि कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा डिटरमिनर है। इस तरह से आपको सेंटेंस मिलेंगे, स्पेशली सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट के। वहां पर आपको दोनों विकल्प मिलते हैं और आपको अंडरलाइन वर्ड में फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिटरमिनर होता है, कौन सा प्रोनाउन। तो देखिए, दिस बुक इज हिज, यहाँ पर जो डिटरमिनर है वो दिस है, ये डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर है। तो बुक के साथ आया है इसलिए डिटरमिनर दिस है यहाँ पर, और हिज यहाँ पर प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, दिस इज हिज बुक, तो यहाँ पर बुक के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, इसका अधिकार बता रहा है, तो वो है हिज। तो यहाँ पर नाउन बुक है और बुक के साथ किसने स्थापित किया है? डिटरमिनर हिज ने। तो यहाँ पर ये डिटरमिनर का फंक्शन कर रहा है। ऑलराइट, सो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रोनाउन का फंक्शन भी करेंगे लेकिन डिटरमिनर का भी करेंगे। पहचान है कि नाउन के साथ अगर आ रहा है तो वो डिटरमिनर है। ऑलराइट, तो ये है पजेसिव डिटरमिनर। इसी तरह से पजेसिव डिटरमिनर आपको सोल्व करने हैं कि आपको जब कभी भी सेंटेंस में पोजीशन दिखे, कोई अधिकार सा नजर आता है सेंटेंस में, तभी आप वहां पर पजेसिव डिटरमिनर का यूज करेंगे। ऑलराइट, तो ये था पजेसिव। बात करते हैं नेक्स्ट। फोर्थ नंबर का डिटरमिनर है हमारा काइंड्स ऑफ डिटरमिनर में, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर में क्वांटिटेटिव डिटरमिनर। क्वांटिटी डिटरमिनर जो है ये मात्रा को या परिणाम को शो करते हैं, यानी कि परिणामात्मक और मात्रात्मक का निर्धारक ये कहलाते हैं। इसमें पहला हम देखेंगे यूजेस ऑफ सम, सम के यूज। सम का अगर हिंदी भाषा में अर्थ देखें तो कुछ या कोई वाक्य से अर्थ निकलता है तो वहां पर सम का यूज किया जाता है। लेकिन सम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं तो देखिए, सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। सम का यूज हमेशा सकारात्मक वाक्यों में ही किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है कि काउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ किया जाएगा, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ सम का यूज किया जा सकता है। सम का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ भी किया जाता है, यानी कि कोई जातिवाचक संज्ञा है और वो सिंगुलर है तब भी सम का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि जहाँ सेंटेंस में कुछ मात्रा का अर्थ निकलता हो, यानी कि कुछ मात्रा का अर्थ वहाँ सेंटेंस में आ रहा हो और वो सेंटेंस अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है तब वहाँ पर सम का यूज किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सो देखिए, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, कि वहाँ पर टेबल पर बहुत सारी बुक्स हैं। सो यहाँ पर बुक्स हैं और उसके पहले नाउन आया, नाउन से पहले आया है सम। तो देखिए, कुछ या कोई के अर्थ में यहाँ पर हमने यूज किया है एज अ पॉजिटिव सेंटेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एग्जाम्पल, सम बॉय हैज स्टोलन माई बुक। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर एक और डिटरमिनर देखने को मिला है, ये है पजेसिव डिटरमिनर, क्योंकि बुक के साथ यहाँ पर स्थापित किया है संबंध। और सम बॉय कोई किसी बॉय ने या तो यहाँ पर सम का अर्थ निकलने के अर्थ में तो वहाँ पर किसका यूज किया है हमने, कोई का सम का यूज यहाँ पर किया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देयर इज सम टी इन द पॉट। ये देखिए, कुछ मात्रा का बता बहुत करा रहा है। अब टी क्या है, अनकाउंटेबल है और टी अनकाउंटेबल नाउन है और कुछ मात्रा का बोध करा रहा है तो वहां पर भी सम का यूज किया जाता है। कैन यू लेंड मी सम मनी, तो देखिए इंटरगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज किया जाता है। आइए, इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है इंटरगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, इसको देखिए कि नोट लगा के मैंने लिखा है, इंटरगेटिव सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो सम का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अगर इंटरगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है तो वहाँ पर हम एनी का यूज करते हैं। वो मैं आपको एनी का यूज में भी बताऊंगी। लेकिन जब कभी भी सम का यूज इंटरगेटिव सेंटेंस में किया जाता है तो सेंटेंस जो है रिक्वेस्ट और ऑफर जो है उसको शो करता है, यानी कि उस सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध होता है। कोई या तो किसी चीज को ऑफर किया जाता है या फिर किसी चीज का निवेदन किया जाता है, तो वो सेंटेंस इंटरगेटिव सेंटेंस होते हैं और उसमें सम का यूज होता है तो वो सेंटेंस रिक्वेस्ट और ऑफर को शो करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, कैन यू लैंड मी सम मनी, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कि वो उसे कि क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो। आई वुड लाइक सम मोर टी ड्रिंक, मैं पसंद करूंगा कुछ और ड्रिंक लेना। ओके, सो यहाँ पर सम का यूज क्या है। सो ये है सम के यूजेस। सो होप कि आपको सम के यूजेस समझ में आ गए होंगे। तो सम का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है और सम का यूज इंटरगेटिव सेंटेंस में जब आता है तो रिक्वेस्ट और ऑफर को शो करता है। और कभी भी सेंटेंस से कुछ, कोई या कुछ मात्रा का अर्थ बोध आता है, अर्थ निकलता है तो वहां पर भी सम का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे यूज ऑफ एनी में। अब एनी और सम में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। एनी का भी कुछ और कोई अर्थ होता है, लेकिन एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस दोनों में किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ और कोई का अर्थ निकलता है तब तो वहां पर हमें एनी का यूज करना होता है। एनी का यूज सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के साथ किया जा सकता है, यानी कि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पर हम एनी का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होंगे जिसमें आपको नेगेटिव वर्ड भी देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से नेगेटिव वर्ड, नो, नोबडी, नो वन, हार्डली, स्केयरली, रेयरली, सेल्डम। सो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव वर्ड शो हैं और ये सेंटेंस में नकारात्मकता का भाव प्रदर्शित करते हैं। तो जब कभी भी सेंटेंस में इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स मिलते हैं और कुछ और कोई का अर्थ निकलता है तो आपको वहां पर एनी का यूज करना है। ऑलराइट, सो ये है एनी के यूजेस। आइए इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। फर्स्ट है, डू यू हैव एनी मनी, नेक्स्ट, एनी बुक कैन हेल्प यू इन दिस मैटर। सो देखिए यहाँ पर बोय के अर्थ में आ रहा है। नेक्स्ट है आई डिडंट सी एनी बॉय, मैंने किसी बॉय को नहीं देखा। तो नेगेटिव सेंटेंस में कोई या कुछ के अर्थ में बॉय एनी का यूज किया गया है। डू यू हैव एनी आइडिया। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखे एनी के यूजेस। तो एनी और सम में सिर्फ मैनी जो डिफरेंस आपको दिखेगा वो सेंटेंस के नेगेटिव पॉजिटिव सेंस में ही दिखेगा। पॉजिटिव सेंटेंस सेंस में आपको सम का यूज करना है और नेगेटिव सेंस में आपको एनी का यूज करना है। सो ये थे आज के डिटरमिनर्स के बारे में हमने देखा। ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट्स एनफ फॉर टुडे। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो एंड रिमेनिंग जो वीडियो है हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगी लास्टली आपको कि फ्रेंड्स, जब कभी भी आप डिटरमिनर का यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली सेकेंड ग्रेड के स्टूडेंट, जब आपकी सेंटेंस आता है एग्जाम में, अगर आप रूल के अकॉर्डिंग जो सूटेबल डिटरमिनर उसमें आना चाहिए है तो सेंटेंस में आपको वो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा एग्जाम में। देन आपको एग्जाम में सेंटेंस का जो सेंस है वो प्रिफर करना होगा कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सेंस निकल रहा है उस सेंस के अकॉर्डिंग जो सूटेबल डिटरमिनर होगा 4 ऑप्शन में से, तो आपको वो फिल करना है। तो ये इस तरह से ध्यान रखिएगा, सेंस आपको देखना होगा। लास्टली आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती है, क्योंकि सेकंड ईयर का आप पेपर उठा के देखिएगा, मैंने उस पर वीडियो भी अपलोड कर रखा है। लास्ट ईयर का जो पेपर आएगा सोल्ड, वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, इस पर आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इंग्लिश RPSC सेकेंड ग्रेड इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको पेपर भी मिल जाएगा। तो आप लोग देखेंगे लास्ट ईयर आपकी इसी टाइप से क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ यूजेस पूछे जाते हैं सिंपली, वहाँ पर इतना डिफरेंस नहीं मिलता है एक सेंटेंस में, बट सेकंड ग्रेड में आपको कहीं देखने को मिलेगा। LDC में भी आपको इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज ध्यान रखिएगा, सेंस आपको ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग डिटरमिनर फिल करना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ। ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।